नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। गुरौल प्रखंड मुखिया संघ की बैठक कटरमाला पंचायत की मुखिया जानकी देवी के आवास पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बक्सामा पंचायत के मुखिया मोहम्मद हासिम ने की। बैठक में सबसे पहले संघ के अध्यक्ष व पिरोई मुखिया प्रमोद कुमार सिंह ने नव निर्वाचित सभी 12 पंचायतों के मुखिया को बधाई दी। साथ ही कहा कि पूरे जिले में गौरव की बात है कि पंचायत चुनाव में गुरौल के 6 मुखिया दोबारा जनता द्वारा चुने गए, साथ ही 3 पूर्व मुखिया व उनके परिजन चुने गए। विदित हो कि कटरमाला से जानकी देवी, लोदीपुर से वैद्यनाथ राम, महमदपुर पोझा से विकास कुमार, बक्सामा से मोहम्मद हाशिम, इस्माइलपुर से आनंद कुमार दोबारा चुने गए, जबकि पिरापुर मथुरा से उमेश प्रसाद सिंह, सोंधो से पूर्व मुखिया रमेश चंद्र साह की पत्नी मुन्नी देवी, रिशूलपुर कोरेगांव से कौशल किशोर सिंह की पत्नी केसरी देवी चुनी गई है। साथ ही नए मुखिया में बहादुरपुर से अरविंद कुमार की मां बिमल देवी, रिशूलपुर तुर्की से मंजू देवी, भानपुर बरेबा से राजेश कुमार को मुखिया के रूप में जनता ने चुना। गुरौल मुखिया संघ के अध्यक्ष पद पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे बक्सामा मुखिया मोहम्मद हासिम ने पिरोई शमसुद्दीन व वर्तमान संघ अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह के नाम का प्रस्ताव किया, जिसे सभी उपस्थित मुखिया व उनके प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से दोबारा संघ के अध्यक्ष पद पर प्रमोद कुमार सिंह चुन लिया। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर मुखिया जानकी देवी, मोह हासिम, सचिव पद पर मुन्नी देवी, बिमल देवी, कोषाध्यक्ष पर उमेश प्रसाद सिंह, मीडिया प्रभारी के पद पर विकास कुमार चुने गए। साथ ही मुखिया संघ की अगली मासिक बैठक 5 जनवरी 2022 को बक्सामा मुखिया के आवास पर निर्धारित की गई। मुखिया संघ के बैठक में गुरौल BPRO राजीव कुमार ने पहुंचकर नए अध्यक्ष व कार्यकारिणी को बधाई दी। मुखिया संघ अध्यक्ष का आज चुनाव हुआ है, गुरौल प्रखंड का। सर्वप्रथम तो लोग पहले चुनाव हुआ है और अभी बात हुई है, आगे की रणनीति विशेष रूप से आगे होगी। आज पहला तो चुनाव ही था, जिससे सर्वसम्मति सब लोग मुखिया संघ अध्यक्ष का चुनाव किए हैं। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह हुआ। उपाध्यक्ष है कि हमारे मोहम्मद हासिम साहब हैं और एक जानकी देवी करवा ले लेते हैं। आगे हम इस बार आप बने हैं जी मुखिया संघ के अध्यक्ष, तो प्रखंड में क्या क्या आपका प्राथमिकता रहेगा? इस बार हम लोग तो पदाधिकारी से लेकर, सबसे पहले तो हम लोग जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों में हम लोग एक सामंजस्य बिठाकर इस प्रखंड का विकास करने का सबसे एक नंबर प्रतिक्रिया रहेगा। और इस हर पंचायत की अलग अलग जो समस्याएं होंगी उसको उठाकर विकास की सबसे पहला प्रतिक्रिया, अच्छे से अच्छे विकास हो, ये हमारा सबसे पहला प्रगति एक नंबर पर रहेगा। और गुरौल का धरती रहा है, सम्मानपूर्वक सब दिन चला है, विश्वास रखें, जाने जितने जनप्रतिनिधियाँ हैं सम्मानपूर्वक चलाएँ और अधिकारी से भी कहेंगे सम्मानपूर्वक मिला के चलाने का। अभी तक तो नहीं मिला है, बट इस बार हमने अपना प्रखंड में प्रस्ताव रखेंगे भाई मुखिया लोगों की बैठने के लिए एक रूम का व्यवस्था सरकार को करना चाहिए और प्रखंड स्तरीय हमारे प्रशासन को करना चाहिए। ये मुखिया जाते हैं वो फील्ड में खड़े रहते हैं, इस चलते हम आग्रह करेंगे उनसे भी और जो हमारा व्यवस्था हो, जो कम से कम जाए उस रूम में, मतलब बैठे, यह इस बार का संघर्ष हम लोग का रहेगा।